एक पुरानी और मशहूर कहावत है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत हिमाचल के जिला ऊना के चरूड़ू गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति पर सही साबित हुई। पेंटर का काम कर अपने परिवार को पालने वाला ये व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया। उन्हें 2.5 करोड़ की लॉटरी लगी। पीजीआई में अपने बेटे को चेक करवाने के बाद लौटते वक्त उन्होंने नंगल के एक लॉटरी विक्रेता से चरूड़ू निवासी संजीव कुमार ने पंजाब स्टेट की दिवाली बम्पर लॉटरी का 2 टिकट 500 रुपए में खरीदा था। एक टिकट इन्होंने लिया और दूसरा इनके बेटे अरमान ने लिया। बेटे ने जो टिकट खरीदा था उस टिकट नंबर A411577 नंबर की लॉटरी को प्रथम इनाम 2.5 करोड़ का निकला। संजीव ने बताया कि वे लोगों के घरों में पेंट पर सफेदी कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इनके परिवार में एक बेटी एक बेटा पत्नी और पिता हैं। उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदते समय नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इनाम निकलेगा। जब लॉटरी वाले का फोन आया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लॉटरी निकलने की बात इन्होंने परिवार को बताई, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए वे खुद लॉटरी विक्रेता के पास पहुंचे और पूरी जांच की। फिर उन्हें यकीन हुआ कि उनकी लॉटरी निकली है। उन्होंने इस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाई व करियर बनाने व अपने कारोबार को सेट करने के लिए संभाल कर रखने की बात कही है। वहीं संजीव कुमार के पिता से जब बेटे की लॉटरी के बारे में पूछा गया तो वे अपने आप को रोक नहीं सके। उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े और वे दर्द भरे लफ्जों में बता रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को अच्छी परवरिश दी है। वे बिजली बोर्ड से रिटायर्ड है, जो पैसा मिला है उसको दोनों बेटों को दे दिया, लेकिन संजीव कुमार को विदेश में भेजने के लिए केवल एजेंट ने उनसे लाखों रुपए लेकर भी उनके बेटे को विदेश नहीं भेजा और आज दिन तक उनका बेटा मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट भर रहा है। वे अपने बेटे को अपनी विधवा बहन को आर्थिक मदद की बात कहकर इस पैसे को संभाल कर रखने की नसीहत दे रहा है। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने मंडी में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर अपनी मांगों व आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया। सम्मेलन में निर्णय लिया कि यदि मांगों की अनदेखी की जाती रही तो डिपो संचालक आने वाले समय में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर हड़ताल करेंगे। इसके अलावा राशन न उठाने, चक्का जाम करना, मंत्रियों का घेराव आदि कदम भी समिति उठा सकती है। सम्मेलन के बाद समिति ने डीसी मंडी के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को अपना मांग पत्र भी भेजा। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कबी ने बताया कि समिति ने कई बार सीएम के पास अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है और मांगे लंबित हैं। उन्होंने बताया कि डिपो दार्क प्रदेश के साथ केंद्र सरकार का राशन भी बांट रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों ने उनके बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से उनकी मांगों में जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा व तमिलनाडु की तरह डिपो संचालक को सरकारी कर्मचारी घोषित करना है। उन्होंने बताया कि डिपो संचालकों को फूड लाइसेंस के लिए 10,000 रुपए नवीनीकरण शुल्क अदा करना पड़ रहा है, जबकि वे तो सरकार के राशन का ही आवंटन करते हैं। समिति ने सीएम से डिपो संचालकों को FSSAI के लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में खाद्य पूर्ति निगम के गोदामों से राशन लाने के लिए गाड़ियों के किराए में पिछले कई वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। डिपो धारक को कम किराया दिया जाता है, जबकि उन्हें किराया अधिक देना पड़ता है। समिति ने गाड़ियों के किराए के साथ लेबर के पैसों में बढ़ोतरी करने की मांग की है। मंडी जिला बार एसोसिएशन के सदस्य ने जिला प्रधान दिनेश शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली में वकीलों पर हुए कथित कुख्यात हमले के विरोध में मंडी शहर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र व प्रदेश से इस दिशा में लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाए जाने की मांग की, ताकि वकीलों को कोर्ट परिसर में प्रोटेक्शन मिल सके। मंडी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली बार एसोसिएशन के आह्वान पर दिल्ली में वकीलों पर हुए कुख्यात हमले के विरोध में
जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से वकीलों के हित में लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाए जाने की मांग की और कुख्यात हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लाए जाने की मांग की। हिमाचल तथा पंजाब से लगभग 300 के करीब खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वाले को 41,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 35,000 व तृतीय को 12,000 व चतुर्थ आने वाली टीम को 10,000 की राशि व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश कटोच ने बताया कि ये प्रतियोगिता हर वर्ष काठगढ़ मंदिर कमेटी द्वारा करवाई जाती है। कमेटी द्वारा ये प्रतियोगिता इसलिए करवाई जा रही है कि युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है वो नशे की तरफ न जाकर उनका रुझान खेलों के प्रति हो।